फ्रेंड्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री का क्लास। मैं डॉक्टर सिल्वी सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो ग्रुप 18 पी ब्लॉक कंटिन्यूएशन के अंदर। तो आइए बच्चों कंटिन्यूएशन में पी ब्लॉक को लर्न करते हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ग्रुप 18 एलिमेंट, जिसको अपन नोवल गैसेस भी कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कह सकते हैं। इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा वो आएगा NH2NP6। बहुत ही यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। अगर हम ऑर्बिटल को ड्रॉ करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें सारे ही ऑर्बिटल्स जो होंगे वो आपके फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो कंप्लीटली फुलफिल्ड होने की वजह से इस ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है ये एलिमेंट्स को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है, जिसको बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी एज पर होन्स रूल। एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन है ना, अगर कर जीरो रन, ये इसका याद करने का तरीका। एटॉमिक साइज एज यूजुअल, जैसे अपन सेल, क्योंकि हीलियम जो है वो पीरियड 1 से बिलोंग करता है, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 एंड पीरियड 6। इट मींस ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो वन नंबर ऑफ सेल होगी, इसका मतलब टू नंबर ऑफ सेल, थ्री नंबर। तो एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज सेल नंबर इंक्रीजेस, सेल नंबर इंक्रीज। अपने यहां पे लास्ट शो किए OMS आउटर मोस्ट सेल, तो रेडियस हाईएस्ट आएगी, यहां पे रेडियस आपकी मिनिमम। इससे क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है वो अपन डिस्कस करते हैं टॉप टू डाउन के अंदर। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी एज एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि बॉटम की तरफ इलेक्ट्रॉन आपके लूजली बाउंड हो जाएंगे, तो आपकी आईई जो होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी एज एटॉमिक साइज इंक्रीज। लेकिन इनके पास जो कंफिगरेशन है वो स्टेबल ईसी, ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन NH2NP6 है, NH2NP6 है। सो IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है अदर देन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से, बट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन ऑफ कोर्स साइज का फैक्टर का इफेक्ट आएगा। तो इनका आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो हीलियम का सबसे ज्यादा होगा, रेडॉन का सबसे कम होगा। लेकिन अगर अपन अदर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो उस केस में आपको इनका जो मिलेगा वो हाईएस्ट मिलेगा, और टॉप टू डाउन इनके आपस में जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे एटॉमिक साइज फैक्टर इफेक्ट करेगी। टॉप टू डाउन जाएंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज होगी एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो उससे सेल नंबर इंक्रीज होगी, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा इनका आपस में अगर अपन कंपेयर करें तो। उसमें दिस ग्रुप हैव एलिमेंट लार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। आप देखेंगे बच्चों ईजी की दो तरह की वैल्यूज होती है, जिसमें एक वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव होती है, रेस्ट ऑल पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव तो होगी नहीं और पॉजिटिव होगी, जो कि फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए अप्लाई की जाती है, उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और वो इनमें भी हाईएस्ट पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती जाएगी उतनी ही टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए इसमें हीलियम से रेडॉन तक और नोबल गैसेस की नाम भी इसीलिए है, क्योंकि ये टेंडेंसी टू एक्सेप्ट नहीं रखती, इनर्ट नेचर्स की होती है। तो ये था बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग 18 ग्रुप एलिमेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हीलियम गैस रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें ऑल दिस यानी कि हीलियम टू रेडॉन तक नेचुरल सोर्सेस क्या कैसे ऑब्टेंड होती है, एयर में कितना इनका पार्ट है, ठीक है, इसमें ऑल दीज गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है, सभी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका जो कंफिगरेशन है वो NH2NP6 है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, और इसी की वजह से इनको बिकॉज दिस दे टर्म्ड एज नोबल गैसेस, तो इनको अनरिएक्टिव या नोबल गैसेस भी बोलते हैं। All these noble gases except radon, याद रखिए बच्चों, radon
अकर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि रेडॉन के अलावा बाकी सब एटमॉस्फेयर में गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होती है, रेडॉन को सिंथेसाइज करते हैं। आर्गन आउट ऑफ दिस नोबल गैसेस का जो आर्गन एयर में है करीब 1% होता, जो कि ऑल ऑर्गन गैसे का मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में होता है। हीलियम और नियॉन फाउंड इन पिच ब्लेंड, मैनेंजाइट, क्लेवाइट, जो कि मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव है, इसमें आपको ऑब्टेन होंगे। हीलियम हीलियम का जो नेचुरल सोर्स है वो नेचुरल गैसेस में आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ज़ीनॉन और रेडॉन, ध्यान दीजिए, ज़ीनॉन एंड रेडॉन आर अ रेयरेस्ट एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के ये दोनों ही रेयरेस्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज डीके प्रोडक्ट, रेडॉन को जब ऑब्टेन्ड करना हो तो उसमें रेडियम 2 to 6 88 को ठीक है क्लीवेज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, रेडॉन एंड हीलियम अल्फा पार्टिकल से मूव कर देते हैं, तो इसका मास 4 का आपका रिमेन्स 2 2 2 हो जाएगा और 2 आपका एटॉमिक नंबर कम होगा तो 86। इस तरह से आपको रेडॉन ऑब्टेन्ड होता है बाय रेडियम डीके प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में नोबल गैसेस में आप देखेंगे नोबल गैसेस कौन कौन सी हो गई है, न अगर कर जीरो रन, ये आपकी नोबल गैसेस है। ऑल दीज नोबल गैसेस आर मोनो एटोमिक, यानी कि इनके आप एटम्स देखेंगे तो मोनो फॉर्म के अंदर है, कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसीलिए इनको मोनो एटोमिक फॉर्म्स बोलते हैं। दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस भी कह सकते हैं इनको। एंड नेक्स्ट इज दे आर स्प्रिंगली सल्यूबल, कंप्लीटली नहीं होती, स्प्रिंगली सल्यूबल इन H2 रहेगी। दे हैव वेरी लो MPBP, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनका इंटर एटॉमिक जो इंटरक्शन है वो बहुत वीक होता है, जिसके चलते इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो रह जाता है। हीलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम जो 4.2 केल्विन तक होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, यानी कि नोबल गैसेस की। मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टी लेसर होगी, कुछ कंपाउंड रिसर्च है। द नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम रहेगी, लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजन है जिस वजह से जो लिस्ट रिएक्टिविटी शो करती है नोबल गैसेस। फर्स्ट नंबर वन रीजन है, नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम 1s2 हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2NP6, क्योंकि हीलियम में 2 ही एटॉमिक नंबर है, 1s2 आएगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगी हीलियम, और ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन वैलेंस सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो ये कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट है, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इनका जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो मैक्सिमम रहता है, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उतनी ही लेसर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लेसर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो लेस टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। और कुछ कंपाउंड रेड कंपाउंड्स डिस्कवर्ड, और वो आपके हैं O2 प्लस PtF6 माइनस, ज़ीनॉन प्लस PtF6 माइनस का कॉम्बिनेशन रिसर्च फॉर्म में, और अदर कंपाउंड्स अभी रिसर्च में। यस स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट है ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स कौन कौन से रिसर्च हो गए और वो किस तरह से बनते हैं। ज़ीनॉन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड कंपाउंड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंप्रेसिबल है, HCF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, HCF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, HCF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन का 1 मोल F2 1:1 रेशियो में रिएक्ट कराएंगे 673 केल्विन पे 1 बार के साथ में, तो HCF2 सिंथेसाइज्ड होगा नंबर 1। सेकंड एक्सी जिनॉन की रिएक्शन 2F2 1:5 की रेशियो में 873 केल्विन व 7 बार प्रेशर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड HCF2 ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट एक्सी विद 3 मोल F2 1:20 की रेशियो में करेंगे, टेम्परेचर
573 केल्विन 62 और 70 बार प्रेशर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड यानी कि XeF6 ऑब्टेंड होगा। अगर इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखें तो दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सबलाइन यानी कि डायरेक्टली ये आपका वेपर स्टेट में आ सकते हैं सॉलिड से, सबलाइन एट 298 केल्विन और फ्लोरीन इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए दे आर फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। और इंपॉर्टेंट नोट इसमें स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि आपका जो XeF6 है जो हेक्साफ्लोराइड फॉर्म है कैन बी प्रिपेयर्ड बाई जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड O2F2 यानी कि XeF4 की रिएक्शन O2F2 से कराई जाती है तो इससे आपको जीनॉन हेक्साफ्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। सो रिएक्शन इज XeF4 प्लस O2F2 गिव्स XeF6 प्लस O2, सो दिस इज रिएक्शंस फॉर XeF6 ऑब्टेनिंग। यस स्टूडेंट, जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स में नेक्स्ट रिएक्शन है ऑल द फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ H2 यानी कि जो अभी अपन ने जीनॉन फ्लोराइड सिंथेसिस सीखा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से होगी, तो उसमें ये जो जीनॉन फ्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें जीनॉन डाइफ्लोराइड का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं 2H2O से तो XeHFO2 प्रोडक्ट, याद रखना आगे कंटिन्यूएशन में आपको हेल्प मिलेगी, जीनॉन HF एंड O2 सिंथेसाइज होगा। नोट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना, इसमें जीनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद F2 आयंस, जीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विद F2 आयंस एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयंस डोनेटर टू फॉर्म फ्लोरो एनायंस, यानी कि एक कैटायन बनेगा दूसरा एनायन। रिएक्शन देखिए XeF2 PF5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है, एक जो फ्लोरीन है वो ट्रांसफर करना है नेक्स्ट स्पीसीज के पास में, तो XeF कैटायन बनेगा PF6 होकर के एनायन बन जाएगा। अगर XeF4 है तो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से कराएंगे, अगेन सेम चीज एक ट्रांसफर करेंगे, XeF3 कैटायन बनेगा, एंटीमनी टेट्राफ्लोराइड एनायन बनेगा। अगर आपके पास में XeF6 है तो इसको MF यानी कि मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो XeF7 आयन बनेगा और मेटल आपकी पॉजिटिव फॉर्म में अलग हो जाएगी। और जो इसमें मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स लेनी है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम्स और सीसीएम फॉर्म में जो M की वैल्यू हो सकती है। तो ये थी बच्चों जीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विद PF5 एंटीमनी फ्लोराइड और MF। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बी पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो पहले वाले क्या थे, जीनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स, अब है जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ऑक्सीजन के साथ में कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4, ध्यान से देखिए बच्चों, XeF4 एंड XeF6 इन वॉटर गिव्स XeO3, वेरी इंपॉर्टेंट, XeO3 ऑब्टेन्ड होगा। एग्जाम्पल जैसे XeF4 हाइड्रोलाइज विथ 12H2 गिव्स XeO3 HF एंड O2। XeO3 की जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो है कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है। इसी तरह से XeF6 का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे XeO3 और HF मिले, कंपेयर करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, XeO3 इसमें भी है, HF इसमें भी है और इसमें O2 नहीं है जबकि उसमें O2 आपकी एक्स्ट्रा, ये दो इसमें नए आ रहे हैं, ये याद रखना है। अब अगर इसकी जगह अपन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 करते हैं, पार्शियल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान दीजिएगा, अगर पार्शियल आता तो यह आंसर नहीं होगा, तो पार्शियल XeF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 एंड XeO2F2, ये दो ऑक्सी कंपाउंड्स बनेंगे। कैसे फॉर्म हुए, XeF6 का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं 1 मोल H2O से तो XeOF4 ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म मिलेगी, साथ में HF फॉर्म होगा, और इसी XeF6 के 2 मोल वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो XeO2F2 मिल जाएगा और साथ में HF, तो ये आपके 1 मोल H2O, सेकेंड वन इज विद 2 मोल H2O, दीज आर कॉल्ड जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। यस स्टूडेंट्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स है जीनॉन कंपाउंड जो अपन ने अभी स्टडी किए उनके ज्योमेट्रीज क्या क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें
जैसे XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड जिसका लीनियर स्ट्रक्चर आएगा, वैसे अगर आप देखेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है इसके अंदर वो आपका sp3d1 आ रहा है, और sp3d1 के अंदर जनरली जो आंसर्स होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन इसमें 3 लॉन पेयर होने की वजह से तीनों कॉर्नर्स पे आप ऑक्यूपाई करेंगे लॉन पेयर्स, और दो जो पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म है उसके ऊपर आप करेंगे एलिमेंट फॉर्म। तो एक्सी सेंटर एलिमेंट हो गया और दो इसके ये पिरामिड पे फ्लोरो हो गए। तो आप देखेंगे लॉन पेयर जो होते हैं वो ज्योमेट्री का पार्ट नहीं बनते, सिर्फ सेंटर एलिमेंट के साथ में जो फ्लोरिन्स है वही आपस में ज्योमेट्री का पार्ट बनती है, इसीलिए सेंटर से अप एंड अबव प्लेन और सेंटर से बिलो प्लेन। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आई 180 डिग्री, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को लीनियर ज्योमेट्री कहा जाता है, दैट इज 4XeF2। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 1, बहुत अच्छे से याद रखना। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2 XeF4, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आपको निकालना हो तो इसमें बहुत सिंपल सा, जैसे जीनोन के आउटर मोस्ट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन 4 है तो 4 × आउटर मोस्ट 7 कर दीजिए, ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा 7 × 4 = 28 कर दीजिए 36, ओके 36 को हमेशा 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम जितना जा सकता है 4 जा चला जाएगा 32, रिमेन्स 4 बचेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 26, यानी कि टोटल रिजल्ट हमेशा 6 आएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका जो बनेगा वो sp3d2 बन जाएगा। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन पहले स्क्वायर बनाएंगे, इसमें रिवर्स है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कॉर्नर्स ऑक्यूपाई होते हैं लॉन पेयर पे, जबकि sp3d2 के अंदर आप एक पहले स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, उस स्क्वायर के सेंटर में XE और सराउंडेड बाई 4F, और इसमें जो पिरामिडल बिलो और अबव प्लेन है वहां पे आप लॉन पेयर प्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये लॉन पेयर, और ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर फॉर्म। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से XeF6 है, तो जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8, फ्लोरीन हो जाएगा 6 × 7, ठीक है, एक के आउटर मोस्ट में 7 तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास में 7 × 6 = 42, 42 + 8 = 56, और 56 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 7 जा जाएगा, तो यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d3, ठीक है, और sp3d3 जो आपको कैसा लगता है, जनरली पेंटागोनल बाइपिरामिडल फॉर्म होती है इसकी, इसीलिए जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे ये 4 तो इधर आ गए ये वाले, ठीक है, 7 फॉर्म में, और ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा ड्यू टू लॉन पेयर, तो इसको बोलते हैं डी स्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म्स, डी स्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ड्यू टू लॉन पेयर। XeOF6 में भी इसी तरह से आप जीनॉन का आउटर मोस्ट 8 ले लीजिए, ऑक्सीजन का 6 ले लीजिए, इसको 4 × 7 करके 8 से डिवाइड कर दीजिए, रिमेन्स वैल्यू को 2 से डिवाइड, रिजल्ट टोटल होगी वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ जाएगी, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल में देखेंगे बच्चों जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो बनेगी वो आपकी इस तरह से दिखेगी स्क्वायर जैसा, लेकिन उसमें एक साइड में डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, अदरवाइज XeF4 और XeOF4 ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखेंगे आपको, बस उसमें 2 लॉन पेयर, इसमें 1 लॉन पेयर और 1 साइड में ऑक्सीजन आने से इसका स्क्वायर पिरामिडल बन गया, और वो कैसा था, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म्स के अंदर था। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और स्ट्रक्चर नंबर 5 जो इसमें आपको याद रखना है वो है XeO3 जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जो पिरामिडल अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बच्चों, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पिरामिडल शो करता है, लेकिन इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन जब निकल XE का आपको 8 मानना, और ये आपका 16 थ्रीजा हो जाएगा, ठीक है, 18, और उसके साथ टोटल करके डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, रिमेन्स को 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी ऑर्बिटल की वो एस पर ऑर्बिटल नंबर अपन हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। और XeO3 में 3 बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड हो, और ये रिपल्सन की वजह से डाउन में चले जाएंगे, एक लॉन पेयर जो रहेगा वो अप की साइड में, और ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो ये थे बच्चों
इसमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स के नोबल गैसेस के स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स या नोबल गैसेस की पॉसिबल यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आपका हीलियम है। हीलियम इज नॉन फ्लेमेबल, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन फ्लेमेबल है, और दूसरा है लाइटर गैस, यानी कि वो बिल्कुल ही लाइट गैस है, मोनो एटॉमिक विद लोअर मास। इट इज यूज्ड इन फिलिंग ऑफ बैलून्स, हीलियम बैलून्स बनाए जाते हैं, और स्पेशली फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के अंदर इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के अंदर। सेकंड, हीलियम इज यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, इसीलिए इसको गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट्स, बहुत ही अच्छा क्रायोजेनिक एजेंट होते हैं। जितने भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पे लो टेम्परेचर पे जो आपको एक्सपेरिमेंट करने हो तो उसमें हीलियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए क्रायोजेनिक एजेंट। नेक्स्ट, हीलियम यूज्ड टू प्रोड्यूस पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एटमॉस्फेयर, जो आप देखेंगे जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, MRI ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो आप MRI फॉर्म में भी होगा तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लिनिकल। आप देखेंगे NMR स्पेशली MRI क्लिनिकल डायग्नोसिस जहां पे होता है तो वहां पे सुपर कंडक्टिंग पावरफुल मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है उसके अंदर हीलियम को, हीलियम गैस को एज ए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके अंदर देखेंगे तो जो डायग्नोसिस आप देखेंगे मोस्टली जब क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर MRI का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अपन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, मैग्नेटिक MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, हीलियम इज यूज्ड इन डाइल्यूएंट, हीलियम डाइल्यूएंट का काम भी करता है फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में मिक्स। मॉडर्न डाइविंग जितनी भी एपरेटस बनाए जाते हैं डाइविंग के, ठीक है, सी वाटर में जाने के लिए, तो उसमें डाइविंग के जो एपरेटस बनाए जाते हैं उसमें हीलियम को मिक्स किया जाता है बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, यानी कि अपन हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डाइविंग जो स्कूबा डाइवर्स स्पेशली जो यूज करते हैं डाइविंग एपरेटस के लिए उसमें हीलियम नोबल गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तो थे हीलियम ट्यूब्स। अब इसमें सेकंड जो मेंबर, जैसे कि अपन ने ग्रुप 18 में एलिमेंट्स की बात करें तो है ना अगर कर जीरो रन, ओके, तो इसमें से बेसिकली जो मेन यूजेस है वो फर्स्ट थ्री, इनके अभी बहुत ज्यादा यूजेस का कॉम्बिनेशन नहीं है। नियॉन इज, अब अपन नियॉन की बात करते हैं, सेकेंड मेंबर NE इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, नियॉन को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करते हैं। सेकंड, फ्लोरोसेंट बल्ब में भी यूज करते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले जितने भी किए जाते हैं उसमें जो बल्ब यूज होता है फ्लोरोसेंट बल्ब, वो उसमें हमेशा नियॉन गैस होती है, और जितने भी ग्रीन हाउसेस बनते हैं एग्रीकल्चर वगैरह में वहां पे भी नियॉन बल्ब यूज किए जाते हैं। थर्ड जो है आर्गन, आर्गन फॉर प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, कहीं पे भी इनर्ट एटमॉस्फेयर नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट करना है तो वहां पे आर्गन का यूज होगा इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, मेटल मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज करते हैं। आर्गन हैंडलिंग ऑफ एयर इन सेंसिटिव सब्सटेंस, अगर कोई लेबोरेटरी के अंदर आपको सेंसिटिव सब्सटेंस को कैरी करना है और जो एयर से रिएक्ट कर सकता हो तो उसमें उसकी हैंडलिंग के लिए भी आर्गन को यूज किया जाता है, तो ये ऑलमोस्ट आपके
ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो इंडस्ट्रियली यूज होती है एप्लीकेशन है वो ये है। इनके अभी ऐसे कुछ स्पेसिफिक यूज नहीं हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन के अंदर है जीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन अगर 1 मोल वाटर से कराई जाती है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा विद नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी होंगे कंप्लीट करनी है। और PH3 विद HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करते हैं तो उसके आंसर्स क्या आएंगे। तो इनके जो आंसर्स होंगे बच्चों वो इस तरह से रहेंगे HCF2 के साथ यानी कि जीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ जब 1 मोल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इसमें जीनॉन गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। सो इसका जो ए का आंसर होगा उसके अंदर आपका HCHF और HO2 हो जाएगा। इसी तरह से PH3 विद HgCl2 को डिस्कस करेंगे तो PH3 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करेंगे तो मर्क्यूरी जो होगी फॉस्फाइड बना देगी, मेटल हमेशा फॉस्फाइड बना देगी तो इसको मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, क्योंकि फॉस्फोरस कितना होगा, मर्क्यूरी आपका होती है 2+ मैक्सिमम और फॉस्फोरस 3-, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Hg3P2 तो इसको मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बोलेंगे। ये मर्क्यूरिक फॉस्फाइड हो गया, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा यानी कि बी के अंदर आपकी दो वैल्यूज आएगी दैट इज Hg3P2 प्लस 6 मोल ऑफ HCl व्हेन फॉस्फीन गैस रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड। तो इस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट ग्रुप नंबर 18 इस वाले वीडियो के अंदर। अब आप कंप्लीट वीडियो जो पी ब्लॉक है उसके सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए गए, आप उसको सीक्वेंस वाइज वॉच करिए और उसके अकॉर्डिंग आप फिर MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बने रहेगा, लाइक से सब्सक्राइब, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं और सेहत मेंटेन रखिए।